वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। नमस्कार, मैं हूं शश कुमार। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी खास, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आया है एक डॉबरमैन अडॉप्शन के लिए। एक नहीं, एक्चुअली उनके पास बहुत सारे बेबीज हैं। ये हमारे इनिशिएटिव से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, प्लस ये अपने बेबीज को ज्यादा सेल नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बाकी के जो बेबीज हैं ये अपने रिलेटिव्स में देने वाले हैं, पर तीन इन्होंने दिया है हमारे चैनल के थ्रू उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो सच में एक अच्छे डॉग लवर और एक अच्छे डॉग ओनर बन सकते हैं। तो गैस, जैसे कि आप जानते हो, अगर आपको भी इस एडॉप्शन वीडियो में पार्टिसिपेट करना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप नए हो तो। हाँ, आप हमारे चैनल का बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन करके रख लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए अगर ये अडॉप्शन वीडियो आपसे मिस हो जाती है। फिर भी तीसरी चीज़, आपको वीडियो को लाइक करना होगा। कमेंट्स सबसे बेस्ट जिनके होते हैं, हम उन्हीं को विनर चुनते हैं। और मेक श्योर रखें कि ये कमेंट्स गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ ना हो। अगर आपके पास भी कोई पेट अडॉप्शन के लिए हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि विनर का अनाउंसमेंट हम वहीं पे करते हैं। और विद इन अ मंथ हम फिर से एक पूरी लिस्ट लाने वाले हैं विनर्स की, जिन्होंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में जितने भी विनर्स बने हैं उनके लिए हम मंथ के एंड में एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम सबका नाम अनाउंस करने वाले हैं। गाइस, हमारे चैनल का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। हम विनर का अनाउंसमेंट तभी करते हैं जब वो पप लेके जा चुके होते हैं अपने घर, क्योंकि उससे पहले मैं मान लो कॉन्टैक्ट करता हूँ और वो आके नहीं ले जा पाते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि कोई और विनर बन जाता है पर हमारा अनाउंसमेंट किसी और के नाम का हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट करते हैं विनर का अनाउंसमेंट में। चलिए चेक कर लेते हैं हम अपने पेट की क्वालिटी। गाइज, इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पहले कोई डॉग अडॉप्ट नहीं किया है तो थोड़े से इसके लिए केयरफुल रहना, क्योंकि ये थोड़ी सी एग्रेसिव होती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा पर थोड़ी सी एग्रेसिव होती है ये। ज़्यादातर वन ओनर डॉग है, मतलब जो एक ओनर जो ले जाता है घर में, ज़्यादातर ये उसी की बात मानती है। लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर या जर्मन शेफर्ड के मुकाबले ये थोड़ा सा एक इंसान की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव रहता है, वो है इसका जो रियल ओनर होता है उसके तरफ। गाइज, जैसे कि आप जानते हो, हम नई नई प्लेलिस्ट भी लाते आ रहे हैं डॉग्स के प्राइजेस के बारे में भी, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए चेक कर लेते हैं पेट की क्वालिटी। गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, सारे के सारे पपीज हमारे अभी मिल्क फीडिंग पे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर कमेंट्स अपने सबसे अच्छा रखना, आपके विनर बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गाइज, आपको हमारे पेट की क्वालिटी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। एक बार हमारे टीम मेंबर को भी थैंक्स ज़रूर बोल देना। आज जो हमें अडॉप्शन के लिए जिन्होंने दिया है, जो ओनर है हमारे पप्स के, उनका नाम है मृत्युंजय सिंह। इन्होंने कहा है कि ये अभी भी मिल्क फीडिंग पे हैं इनके पप्स, तो थोड़ा सा टाइम लगे इन्हें अडॉप्शन के लिए देने में, तो हो सकता है मुझे इसका विनर चुनने में टाइम लग जाए, तो उसके लिए मुझे मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। पर जो क्राइटेरिया है गाइस, इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप भी नोटिस करके रखना कि अगर आप किसी से खरीदने भी जा रहे हो तो 45 डेज से पहले के बेबीज मत लेना यार, क्योंकि वो उतने मैच्योर नहीं हो चुके होते हैं कि अपने माँ से अलग रह के उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर पाएँ, उतने हेल्दी बन पाएँ। जैसे कि इंसान के बच्चों के लिए यार माँ का दूध इतना ज़रूरी होता है, तो वो तो फिर भी डॉग है यार। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कमेंट में देख के किसी पर भी बिलीव मत करें। कोई भी अगर आपको बोलता है कि पहले आप डिलीवरी चार्जेस पे कर दो, मैं आपको फ्री में डिलीवर कर दूंगा, तो ये काम कोई मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।